वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. दोस्त गायब हो रहे हैं। पाकिस्तान सबसे बेकार इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और इस देश को कोई भी मदद करना नहीं चाहता। पाकिस्तान के लिए धीरे धीरे मदद के सारे रास्ते बंद होते हुए दिख रहे हैं। पाकिस्तान इज नॉट गेटिंग अ बेलआउट। Pakistan is going through its worst economic crisis in years. Inflation is at a 50-year high and food has become unaffordable for millions. This country continues to implode. Lekin kyun? Kyun America, China, Saudi jaise desh Pakistan ko paisa dene se dar rahe hain? Pakistan is crisis mein akela kyun khada? Samajhte hain aaj ke is video mein. Ye hai hamari series Pakistan Explained, jahan hum Pakistan ki economy ko ek Indian perspective se samajhne ki koshish karte hain. Is video mein hum dekhenge ki Pakistan ko kahan कहां से मदद मिलने के चांसेस हैं? क्या पाकिस्तान के ऐसे कोई भी दोस्त बचे हैं जो उन्हें जरूरत के समय मदद करेंगे, और इससे भारत को क्या लेसन सीखने की जरूरत है? अगर आप यहां पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पाकिस्तान की ये सिचुएशन उनके लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से हुई है, लेकिन आपको आपका करियर प्लान करने में हेल्प करेंगे हमारे आज के वीडियो के पार्टनर्स कोडिंग इन्वेडर्स। ये है भारत का लीडिंग प्लेटफॉर्म जो भारत के यूथ और वर्किंग प्रोफेशनल्स को फ्यूचर प्रूफ बनाना चाहते हैं। जिन लोगों का टेक में कोई भी बैकग्राउंड नहीं है उन्हें भी एक हाई पेइंग आईटी फील्ड में जॉब दिलाना चाहते हैं। अगर आपको कोडिंग का सी भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं कोडिंग इन्वेडर्स के साथ। कोडिंग इन्वेडर्स अपने इस कोर्स के बारे में इतने कॉन्फिडेंट है कि वो इनरोल करते समय ही आपको एक रिटन जॉब गारंटी अग्रीमेंट देते हैं। ये कहते हैं कि पूरा कोर्स और सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट करने पर अगर आपको जॉब नहीं मिला तो आपके सारे के सारे पैसे आपको वापस मिलेंगे। कोडिंग इन्वेडर्स आपको देते हैं वन ऑन वन मेंटरशिप और केस स्टडीज जो खुद अमेज़न, फिलिप्स, डेलॉयट के इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किए, बिकॉज ये प्रैक्टिकल नॉलेज में विश्वास रखते हैं। इनकी मदद से ऑलरेडी 20,000 से ज्यादा यंगस्टर्स ने एक हाई पेइंग पैकेज सिक्योर किया है। आप अगले 6.5 महीनों में अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक स्पेशल लिंक दी है, क्लिक कीजिए और यूज कीजिए कूपन कोड AN27 ताकि आपके कोर्स फीस पर आपको 27% डिस्काउंट मिले। सो हरी अप, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चैप्टर 1, पैसा कहाँ है? आपके स्कूल ग्रुप में ऐसा कोई ना कोई बंदा तो जरूर होगा जो कहता होगा कि भाई आज 20 रुपए दे दे, मैं कल लौटा दूंगा, और ये कल कभी आता ही नहीं। उस दोस्त का नाम अपने फोन पर चेंज करके पाकिस्तान कर दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी कुछ ऐसे ही चलती है। हर साल लोन लिया जाता है, फिर लोन का इंटरेस्ट बढ़ता है, ये पे करने के लिए पैसे होते तो है नहीं, फिर उस लोन का इंटरेस्ट चुकाने के लिए और लोन लिया जाता है, और इसमें आम जनता सफर करती है क्योंकि इसका फायदा आम जनता को होता ही नहीं। पाकिस्तान को एड की लत लग चुकी है, एंड दैट्स द कोर इशू। सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान पैसे कैसे कमाता है, उन्हीं के बजट को देखते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स है 9,40,000 करोड़, कैपिटल रिसीट्स है 2,37,000 करोड़, और एक्सटर्नल रिसीट्स है 5,54,000 करोड़। और खर्चे कहाँ होते हैं? पाकिस्तान के टोटल बजट का 28.5% हिस्सा उन्हीं के फॉरेन लोन्स के रीपेमेंट करने में जाता है, दैट इज 3,93,000 करोड़, और मिलिट्री को 1,50,000 करोड़ मिलते हैं। सिर्फ इन दो बातों में पाकिस्तान अपने पूरे बजट का 40% उड़ा देता है, तो बाकी कामों के लिए पैसा बचेगा क्या? घंटा। यही लोन के हफ्ते चुकाने के लिए पाकिस्तान नए नए लोन्स लेता है। अब ये बात IMF अच्छी तरह से जानता है, और ये बात जानते हुए भी अब IMF पाकिस्तान की 23वीं बार मदद करने जा रहा है। लेकिन IMF डिसाइड कैसे करता है कि किसकी मदद करनी है और किसकी नहीं? इस बेल आउट के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है टेक्निकल रिव्यू और दूसरा होता है स्टाफ लेवल रिव्यू। टेक्निकल रिव्यू में पाकिस्तान ऑलरेडी पास हो चुका है। 2019 में फॉर्मर PM इमरान खान ने IMF से $6 बिलियन का बेल आउट मांगा था, और इसमें से $1.1 बिलियन रिलीज भी हुए। लेकिन जब भी IMF पैसा देता है तब वो आपके सिस्टम में इंटरफियर करना स्टार्ट करता है, कुछ कंडीशंस लाता है। IMF ने पाकिस्तान को पैसा दिया लेकिन एक शर्त पर, कि आप इन पैसों का इस्तेमाल रेवड़ी पॉलिटिक्स में मत कीजिए। रेवड़ी पॉलिटिक्स यानी सब्सिडीज, फ्रीबीज। अक्सर सरकार इम्पोर्टेंट चीजों की प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए सब्सिडीज देती है, जब तक महंगाई कंट्रोल में है लोग खुश। और इमरान खान ने IMF के पैसों के साथ कुछ ऐसा ही किया, IMF से पैसा लिया और लोगों को सब्सिडी देकर पॉपुलर बनना चाहिए।
चाहा। लेकिन यहाँ हम ब्लेम सिर्फ इमरान खान को नहीं कर सकते, क्योंकि शहबाज शरीफ जब पीएम बने तब उन्होंने यही सेम स्कीम्स कंटिन्यू रखी। अब आईएमएफ का दिमाग हट गया, वो कहने लगे कि अगर आप हमारे पैसों का इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हो तो ये नहीं चलेगा। अब आईएमएफ बन गया है स्ट्रिक्ट। अब उन्होंने कहा कि बेल आउट चाहिए तो पहले ये सारी शर्तें मंजूर करो, अगर शर्त मंजूर है तो ही पैसा मिलेगा। शर्त मंजूर है? आप वीडियो पॉज करके ये सारी शर्तें पढ़ सकते हैं। प्लस आईएमएफ ने कहा है कि भाई टैक्स बेस बढ़ाओ, आपके बहुत कम लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं, तो आपको अगले साल लोन की किस्तें भरने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, आप फिर से आओगे लोन लेने के लिए। एट द सेम टाइम आईएमएफ ने ये भी कहा है कि इन्फ्लेशन 5-7% तक ही रखो, वही इन्फ्लेशन जो आज 35% तक पहुँच गया। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ कुआ है तो वहाँ पर खाई। इन्फ्लेशन कम करने के लिए सब्सिडी तो देनी पड़ेगी जो आईएमएफ को मंजूर नहीं है, और अगर अपना इनकम बढ़ाने के लिए एग्जिस्टिंग सब्सिडीज को कैंसिल कर दिया तो लोग पागल हो जाएंगे। और आईएमएफ को ये सब पता है लेकिन वो काफी स्मार्टली प्ले कर रहा है, पैसा देने से मना नहीं कर रहा लेकिन डीले जरूर कर रहा है। ऐसी शर्तें रख रहा है जो शायद पाकिस्तान के लिए अनएक्सेप्टेबल हो, क्योंकि उन्हें ये पता है कि पाकिस्तान के पास ज्यादा समय नहीं है, एक टाइम आने पर उन्हें ये सारी शर्तें एक्सेप्ट करनी ही होंगी। चैप्टर 2, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। पाकिस्तान के कुछ दोस्त बहुत पैसे वाले हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, और उन्होंने प्रीवियसली पाकिस्तान की मदद भी की है। आइए देखते हैं कितनी, कितनी। शुरुआत करते हैं सऊदी से। 2018 में उन्होंने $6.2 billion जस्ट एवई फाइनेंशियल सपोर्ट के नाम पर दे दिए के भाई ले ले। ऊपर से $3 billion का तेल लोन के तौर पर दे दिया। 2021 में भी और $3 billion का लोन दिया। 2022 में सऊदी ने $8 billion का पैकेज अप्रूव किया। कतर ने पिछले साल अगस्त में $2 billion का लोन दिया। 2018 में यूएई ने भी $200 million पाकिस्तान को एड के तौर पर दिए, कहा कि अपने देश में छोटे छोटे बिजनेसेस को बढ़ावा दो। फिर अगले साल 2019 में $2 billion का लोन दिया। यहां तक यूएई ने पाकिस्तान को ऐसा ऑफर भी दिया है कि आपकी जो सारी गवर्नमेंट कंपनीज है उनके शेयर्स खरीदने के लिए हम रेडी हैं। लेकिन कोई भी सॉवरेन देश अपने देश की इम्पोर्टेंट कंपनीज किसी दूसरे देश को कैसे बेच सकता है? पाकिस्तान को इन तीन देशों से कुल मिलाकर $24.4 billion के लोन्स और गिफ्ट्स मिले हैं, वो भी सिर्फ पिछले 5 सालों में। पाकिस्तान के कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने पैसों के तौर पर नहीं किसी और फॉर्म में अपना सपोर्ट दिखाया, लेकिन वो भी अब पाकिस्तान से दूर होना चाहते हैं। ईरान और पाकिस्तान के बीच एक गैस पाइपलाइन बिछाने की बात 1950 से चली आ रही है। ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन प्रोजेक्ट 1999 में शुरू हुआ और ईरान ने अपने साइड की पाइपलाइन कब की बना ली, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी साइड की पाइपलाइन बनाई नहीं। अब ईरान ने कहा है कि 2024 से पहले अपने साइड की पाइपलाइन का काम खत्म करो, नहीं तो नुकसान भरपाई करो। जो पाकिस्तान ऑलरेडी बैंकक्रप्ट होने जा रहा है उससे ईरान $18 billion की फाइन वसूलने वाला है। फनी पार्ट यह है कि इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का हिस्सा भारत भी बनने वाला था, लेकिन भारत डर गया। उसे लगा कि इस पाइपलाइन में से गैस के बदले टेररिस्ट आने लगे तो हम इस डील से निकल गए, और एक तरह से अच्छा ही हुआ, नहीं तो आज हम भी अटक जाते। लेकिन ये सारे देश पीके पड़ जाते हैं जब हम पाकिस्तान के बड़े भैया चाइना की बात करते हैं। चैप्टर 3, सबसे बड़ा गुंडा। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मदद अपने इस वीडियो के गुंडे ने यानी चाइना ने की है। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा लोन चाइना के कमर्शियल बैंक से लिए। नंबर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान ने चाइना से $30 billion का कर्जा लिया। इसमें से एक बड़ा पोर्शन सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स के लिए था। लेकिन चाइना है सुपर स्मार्ट, उन्होंने पाकिस्तान को पैसे तो दिए लेकिन कहा कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक चाइनीज कंपनी को ही मिलने चाहिए, यहाँ चाइनीज वर्कर्स ही काम करेंगे। इनफैक्ट आप सीपेक के लिए यूज होने वाले सारे पैसे एक चाइनीज बैंक में ही रखो, यानी चाइना का फायदा ही फायदा। उन्हीं के पैसे से उन्हीं के कंपनी का प्रॉफिट होता है, उन्हीं के लोगों के लिए जॉब्स बनते हैं और एक दूसरे देश में अपना प्रेजेंस भी बढ़ता है। इस पर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनेगा जरूर। चैप्टर 4, तो प्रॉब्लम क्या है? अब जिन अलग अलग पार्टीज ने पाकिस्तान को प्रीवियसली मदद की है वो तीन ब्रॉड रीजंस की वजह से की। एक है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, जैसे कि आईएमएफ ने, ताकि पाकिस्तान में रीजनल स्टेबिलिटी रहे, एक सिविल वॉर ना। सेकंड रीजन है कॉमन इंटरेस्ट। सऊदी, कतर, टर्की, यूएई, ईरान, ये मुस्लिम देश हैं और पाकिस्तान भी, तो नेचुरली वो अपने भाइयों की मदद करना चाहते हैं। और तीसरा रीजन है प्योर इकोनॉमिक रीजंस। चाइना यही करता है, प्रॉफिट देखकर पैसा लगाता है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ये सारे रीजंस इरेज हो रहे हैं। चाइना अपनी सीपेक के ऑपरेशन स्लो डाउन कर रहा है,
पैंडेमिक के बाद पूरी दुनिया का चाइना पर से विश्वास उठ गया और इसका इम्पैक्ट चाइना की इकोनॉमी पर भी हो रहा है। तो चाइना सीपेक के नाम पर पाकिस्तान को और पैसा नहीं दे रहा। टर्की और ईरान पाकिस्तान पर अब विश्वास नहीं करता और सऊदी तो पाकिस्तान से रूठ गया है। पाकिस्तान ने इमरान खान के अंडर एक स्टंट किया। कतर, टर्की, मलेशिया और पाकिस्तान, ऐसे चार देशों को मिलाकर अवेंजर्स बनाने की कोशिश की, यानी एक नई अलायंस बनाने की कोशिश की, लेकिन इसमें से उन्होंने सऊदी को बाहर रखा। भाई ये बात सऊदी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब सऊदी ने ये कह दिया है कि पहले हम बिना कंडीशंस के लोन और एड देते थे, लेकिन अब टाइम आ गया है कि जो देश हमसे पैसे लेते हैं वो अपने प्रोमिसेस पहले फुलफिल करना स्टार्ट करें। ये पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग। प्रीवियस प्रोमिसेस फुलफिल ना होने की वजह से अब IMF भी पैसा देने से कतरा रहा। हाल ही में न्यूज आई कि IMF ने यूक्रेन के लिए $15.6 बिलियन का लोन अप्रूव किया। अमेरिका ने सिलिकॉन वैली बैंक को बचाने के लिए रातों रात $300 बिलियन छाप दिए। IMF और वेस्टर्न देशों की प्रायोरिटीज अलग है, ये अब हम समझ गए, और इन प्रायोरिटीज में पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश नहीं आते। चैप्टर 5, लेसन्स फॉर इंडिया। अब आते हैं हम इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर कि भारत को पाकिस्तान से क्या लेसन सीखने की जरूरत है। सबसे पहला लेसन है, देयर आर नो फ्री गिफ्ट्स। पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात देखकर हमें हंसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हमें फोकस हमारे खुद की इकोनॉमी सुधारने पर करना चाहिए। हमारे बजट को देखे तो हम हमारे खर्चे भी टैक्स रेवेन्यू से पूरे नहीं कर सकते। हमें पैसा कम पड़ता है और हम हर साल 40% पैसा उधार लेते हैं। ये पाकिस्तान जैसे बेल आउट्स नहीं है, बॉन्ड्स है जिनमें मोस्टली हमारे देश के ही सिटीजंस इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि भारत अपने सारे खर्चे पूरे करने जितना पैसा नहीं कमाता। इन लोन्स पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और ये हमारे बजट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। जो पैसा देश की डेवलपमेंट में इन्वेस्ट हो सकता है वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। पाकिस्तान में 2022 में डेविस्टेटिंग फ्लड्स हुए। They were called the worst floods in a century. इन फ्लड्स की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी प्रॉब्लम्स में आई। कल जाकर अगर इस लेवल की किसी नेचुरल क्लैमिटी का भारत को सामना करना पड़ा तो शायद भारत के पास भी उतने पैसे ना बचे। इट इज सेड दैट लोन स्टील द रिसोर्सेज ऑफ द फ्यूचर। हम अगर कल के रिसोर्सेज आज ही खर्च कर देंगे तो कल हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे। दूसरा लेसन ये है कि हमें गरीबी के साइकिल से निकलना पड़ेगा। वीडियो की शुरुआत में हमने देखा कि IMF अब पाकिस्तान के साथ स्ट्रिक्टली बर्ताव कर रही है क्योंकि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। डिप्लोमैट का ये आर्टिकल कहता है कि जब भी पाकिस्तान में कोई नई सरकार आती है उनका पहला मूव यही होता है कि कटोरा लेकर दूसरे देशों के पास जाए और मदद की भीख मांगे। पाकिस्तान आज एक विशेष साइकिल में अटक चुका। देश में प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए देश में गरीबी है। लोग गरीब है तो टैक्स से पैसा नहीं आता, पैसा नहीं आता तो IMF से लोन लेना पड़ता। ये लोन इन्हीं गरीब लोगों को खुश रखने के लिए, टेम्पररीली शांत करने के लिए सब्सिडीज के रूप में खर्च होता। लेकिन क्या इससे गरीबी कम होती है? बिल्कुल नहीं। हम कब सीखेंगे कि सब्सिडीज एक बैंडेड की तरह एक टेम्पररी सोल्यूशन है? भारत भी फ्री का पानी, फ्री की इलेक्ट्रिसिटी, फ्री का राशन जरूर देता है, लेकिन इसका सारा फायदा करप्शन खा जाता है और गरीब लोग गरीब ही रहते हैं। इस मामले में भारत पाकिस्तान से डिफरेंट नहीं, बस थोड़ा सा लकी है कि हमारे पास थोड़ी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। ऑनेस्ट सैलरी देने वाले लोग हैं जिन्हें टैक्स कट कर ही पैसा हाथ में आता है। ये है देश का वर्किंग क्लास जो देश को चलाता है, अपने कंधों पर 1.4 बिलियन इंडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। द थर्ड लेसन फॉर भारत इज, हमें हमारा इनकम बढ़ाना होगा। इनकम यानी देश का रेवेन्यू फोकस मैन्युफैक्चरिंग पर करने की जरूरत। जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो एक चीज जरूर देखते हैं कि प्रोडक्ट बना कहां पर। पेंडेमिक से पहले सारी चीजें चाइना से आती थी, अब सिचुएशन बदल रही है, मेड इन चाइना चीजें कम हो रही है। लेकिन ये चीजें बन कहां रही है? भारत में नहीं, वियतनाम में। सोचिए हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना टूटा हुआ है, इतना ब्रोकन है कि हमें किसी दूसरे देश से इंपोर्ट करना सस्ता लगता है। मेरी पर्सनली यही कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा इंडियन प्रोडक्ट्स हम ढूंढें और उन्हें ही खरीदें ताकि मैक्सिमम रेवेन्यू किसी भारत की कंपनी को मिले। टूरिज्म, फार्मास्यूटिकल्स, क्लोदिंग, इन सारी इंडस्ट्रीज में भारत को बेहतर बनना ही होगा। बाहर से पैसा भारत में लाना होगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली भारत का कम से कम पैसा कैसे भारत के बाहर जाए ये देखना होगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, सरकार कुछ नहीं करती और सर जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो करप्शन करते हैं, अपना फायदा देखते हैं बस। क्योंकि इंडिया में चीज नहीं देखने को मिलती है, लेकिन बहुत थोड़ी, मतलब आ रहा है, कोई रूल है नहीं इसके अंदर, तो थोड़ी लेवल का ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी वहाँ जो है कोई हमें कानून देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई घूम रहा खुलेआम, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में ज्यादा चीजें इसलिए खराब है कि यहाँ कोई जो है
कानून नहीं इसकी है। इसकी एग्जैक्टली और जितने लोन मिले हैं उनको कभी भी किसी सरकार ने सही जो है ना मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने खाया है। तो आवाम को क्या मिलेगा? अभी थोड़ी बहुत सब्सिडी दे दो, वो एक टेम्परेरी टाइम के लिए होती है, क्योंकि बाद में फिर डबल और महंगाई होती है, इन्फ्लेशन होती है। जो पब्लिक से क्या कुछ, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान पब्लिक बहुत अच्छा है, हमें लोन नहीं मिल रहा, मतलब इन लोगों को पता है कि हम पे तो खर्च होना नहीं, तो ये करप्शन में ज्यादा निकल जाना है, आधा ये बस इस तरह ही करते हैं। एक लोन लिया, फिर जो लोन को छोड़ने के लिए फिर लोन लिया, मरती कौन है आम पब्लिक। और एक बार टैक्स की, तो भाई टैक्स अमीर लोग तो बिल्कुल नहीं देते, पॉलिटिशियन बिल्कुल नहीं देते, जो बेचारे गरीब हैं हम तो लोग देते हैं, मिडिल क्लास के गरीब ही टैक्स देते हैं। इवन की हमने माचिस खरीदी है या मोबाइल रिचार्ज करवाया है, इस पर भी हमें 25 रुपए टैक्स देना पड़ता है। एक जब टोल करते हैं एक चीज पर 3 दिन बाद टैक्स देते हैं, कार्ड खरीदो रिचार्ज के लिए अंदर एंटर करो 25 रुपए वो काट देते हैं, कॉल करो चेक करना तो उसका टैक्स, उसका भी टैक्स कटता है, कॉल करो उसका भी कटता है, मैसेज करो उसका भी कटता है, इतना टैक्स एक चीज पर देना पड़ता है, मतलब हर चीज पर। अगर बिल आता है तो उसको भी पे करना पड़ता है, पे करने पर भी हमें टैक्स देना पड़ता है, तो ये इतना टैक्स देना पड़ता है। गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।